हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेमिंग विद हेल्क, एंड मैं हूं आपका दोस्त। तो गाइस, आज के वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक प्लेयर को मैंने देखा है अभी यूट्यूब में, बहुत सब लोग वीडियो बना रहे उसके ऊपर कि ये कैसे हुआ। तो आज गाइस उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलो बिना टाइम गवाए ये वाली वीडियो हम शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं जो प्लेयर है उसका मैं एक बार टैग लिख देता हूँ, आप लोग अच्छे से उसका बेस देख लो। तो 99JR9PLV8। तो जैसे ही गाइस सर्च बटन पे क्लिक किया, एक प्लेयर है देख लो, 15 एक्सपीरियंस लेवल है और उसका जो नेम है आप देख सकते हो 2016 बग और ग्लिच। ठीक है, तो जैसे ही गाइस विजिट करते हैं उसके बेस पे, तो आप देख सकते हो एक कैनन, एक आर्चर टावर एक साथ है और इसका आप देख सकते हो एयर डिफेंस वॉल के बीच में है एयर डिफेंस, और इसके कैन कैसल है और कैन कैसल के अंदर टाउन हॉल है या टाउन हॉल के अंदर कैन कैसल है आप बोल सकते हो। तो ये इसने कैसे किया आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और इसके आर्मी कैंप पे आप देख सकते हो दो विजार्ड है। तो गाइज ये लो, ये जो है आर्चर टावर के साथ मोर्टर या टाउन हॉल के साथ कैन कैसल, ये सब इसने कैसे किया है और कैसे हम लोग को अभी भी दिख रहा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले रिटर्न होम जाते हैं। पहले गाइस अभी आपको मैं बताऊंगा आप भी ये कैसे कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा आपका जो एक्टिव विलेज है उधर पे जाके एडिट लेआउट पे आप क्लिक करो। उसके बाद ये जो है ना इसको थोड़ा सा साइड कर दो, आपका जो भी ये कलेक्टर या आपका जो भी बिल्डिंग्स है इसको थोड़ा सा कलेक्ट करके साइड में थोड़ा सा आप जगह खाली कर लो। ठीक है, मैं देख लो जैसे आर्मी कैंप मेरा जो भी कलेक्टर है उसको थोड़ा सा साइड कर दिया। और अभी आपको करना क्या पड़ेगा, आप एक आर्चर टावर ले लो रिमूव करके और कैन कैसल जो उसने किया था, चलो करके देखते हैं। तो देख लो कैन कैसल को सबसे पहले मैंने पुट किया है, उसके बाद लेफ्ट हैंड से आप ये आर्चर टावर को कैन कैसल के ऊपर आनो ले आओ। ठीक है, और आपका जो राइट हैंड है उससे आप फोटो मोड पे क्लिक करो। ठीक है, और ये देख लो एक सर्कल आप देख सकते हो वाइट सर्कल, और ये आ गया वाइट सर्कल। और उसके बाद आप देख सकते हो इधर पे जो आपका आर्चर टावर है वो तो चला आया है, और इधर पे एक नया जो आप देख सकते हो एक ब्लैक बॉक्स हुआ है, तो उसके ऊपर आप सिंपली आपका जो कैन कैसल है उसको पुट कर दो। और उसके बाद आपका जो ये कैन कैसल है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, इसको आप ऐसे ही कोई भी जगह इधर से छोड़ दो, बस छोड़ के ये क्लिक कर दो, अपने आप जाके फिट हो जाएगा। देख लो, तो आप देख सकते हो मैंने कैन कैसल एंड आर्चर टावर दोनों को एक साथ फिट कर दिया, देख सकते हो। और आप इसको देख लो, ये भी कर सकते हो। तो देख लो आर्चर टावर एंड कैन कैसल को मैंने एक साथ फिट कर दिया। और उसके साथ मैं आपको एक और भी दिखा देता हूँ। तो चलो इधर से एक एलेक्सर कलेक्टर एंड एक मोटर हम लोग ले लेते हैं। और उसके बाद देख लो इधर पे आप सिंपली आपका एलेक्सर स्टोरेज पहले बिठा लो, और उसके बाद सेम करो आपका जो लेफ्ट हैंड है उससे मोटर को अच्छे से पकड़ो और राइट हैंड से फोटो मोड पे क्लिक करो। बट आपका जो मोटर है ना, ये आपका जो उंगली आप दे रहे हो ना इधर पे, इसको मत उठाना। ठीक है, तो फोटो मोड पे फिर से क्लिक करो और देख लो फिर से एक सर्कल आ गया है वाइट सर्कल। ठीक है, इसको इधर पे छोड़ दो और देख लो सेम चीज़ इधर पे हुआ है और आपका मोटर आपके पास ही है। तो सेम करोगे आप ये कलेक्टर को इसके ऊपर डाल दो और मोटर को ये साइड में जैसे ही हो जाए छोड़ दो, और उसके बाद राइट हैंड से क्लिक करो, बस देख लो अपने आप जाकर फिट हो रहा है। तो देख सकते हो एलेक्सर कलेक्टर के साथ मैंने मोटर को जोड़ दिया है, और इसको आप ये भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो दोनों चीज़ मैंने कर दिया है, और उसके बाद आप सेव पे क्लिक करो और ओके कर दो बस। ठीक है, और ओके करने के बाद देख लो मेरे जो एक्टिव विलेज है उसमें आप देख सकते हो अभी स्टोरेज एंड मोटर है और कैन कैसल के साथ आर्चर टावर। ठीक है, आप देख सकते हो मेरे, देख लो मेरा जो एक्टिव विलेज है उसमें है अभी। बट ये जो है ना गाइज, ये जो 2016 में था तब अगर आप ऐसे करते तो आपका जो फ्रेंड था वो भी आपको विजिट करके ये सेम चीज़ देख सकता था। और आप अगर ये देख लो, जैसे मैं बंद करूँगा ना उसके बाद जैसे ओपन करूँगा सेम होगा, जो जैसे था ऐसा ही हो जाएगा। ये मैंने ऑफ कर दिया और देख लो मैं फिर से सीओसी ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे मैं सीओसी ओपन करूँगा आप देखना जहाँ जहाँ मेरा आर्चर टावर कैन कैसल था ऑटोमेटिकली उधर पर चला जाएगा, और जो मैंने अभी ग्लिच किया था वो भी रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप देख लो जैसे ओपन हुआ आप देख सकते हो मेरा कैन कैसल जहाँ था वहाँ चला गया, आर्चर टावर भी चला गया, एलेक्सर कलेक्टर एंड मोटर भी चला गया। तो 2016 जब था
तब आप ऐसे करते तो आपका फ्रेंड भी देख सकता था, और आप विलेज को ऑफ करके फिर से अगर ओपन कर देते थे तो सेम चीज़ रहता। बट 2016 के बाद जब ये कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया, उसके बाद सुपर सेल ने ये वाला ऑप्शन रिमूव कर दिया। और अभी आप जो प्लेयर देख सकते हो, मैं एक बार फिर से सर्च करके आपको दिखा देता हूँ, ये जो प्लेयर अभी आप देख रहे हो यूट्यूब पे 99JR9PPLV8, ये जो प्लेयर है आप देख सकते हो, ठीक है। इधर पे मैंने रुको थोड़ा सा गलत हुआ है टैग, 9PLV8। तो जैसे आप सर्च बटन पे क्लिक करो देखो, अभी जो ये प्लेयर का रिमूव क्यों नहीं हुआ, इसका रीज़न एक ही है, जब ये अपडेट आया था, जो मेंटेनेंस ब्रेक हम लोगों का आता है जो फिक्स कर देते हैं बग्स, तो जब ये मेंटेनेंस ब्रेक आया था उसके बाद से इसने COC ओपन ही नहीं किया, इसलिए अभी तक इसका जो मोटर आचा टावर है ये हम लोग देख सकते विजिट करके। बट आप खुद करके देखो, आपके मेन विलेज में आप खुद करके देखो, और आपका जो फ्रेंड का बेस है उससे आप विजिट करोगे तो आपका बेस में कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा, जैसा बेस है सेम बेस दिखेगा। तो यही है आज का जो सीक्रेट था, ये मैंने फाइनली रिवील कर दिया है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाल बटन है दबा दो, उसके साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना। और गाइज मैं रोज़ाना लाइव स्ट्रीम में आता हूँ रात को 9 PM, और आज रात तो गाइज टॉर्जन वार होने वाली है, लास्ट 10 मिनट में हम लोग अटैक करेंगे। तो गाइज अगर आपको टॉर्जन वार पसंद है तो आ सकते हो मेरे लाइव स्ट्रीम पे। तो बाय बाय गाइज, मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड क्लास ऑन।